बड़ी तकलीफ की बात सुनाना चाहता हूं, जो आपको पता भी होगा। यू नो बेटर कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जब थी, तो इस रियासत में, कश्मीर में और कई ऐसी अन्य स्टेट्स में एसपीओ की पोस्ट बनाई, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। जगह जगह जहां मिलिटेंसी थी, उग्रवाद था, वहां बीडीसी बनाई, विलेज डिफेंस कमेटी, जिससे मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, बनाएंगे। सरकार कहती थी अगर आप इसमें मर भी गए तो आपको एसआरओ 43 देंगे, आपको रोजगार देंगे, आपके परिवार को काम देंगे, आपको पैसे मिलेंगे। बेरोजगार आदमी क्या नहीं करता, उसने वो बेरोजगार सोचता कि एक तो मैं काम करूंगा मुल्क का, देश का, स्टेट का, अपने लोगों को मिलिटेंसी से बचाऊंगा। आपको याद होगा कि गाड़ियां उतारी गई, बारात की उतार के मारी गई, लाइन में खड़े करके मारी गई। आपको याद होगा पुरानकोट का सीन, और जो लोग यहां उस जमाने के पॉलिटिशियन की बात सुनाता हूं मैं, हैं, आई वाज एमएलए दैट टाइम, मैं उस जमाने की बात भी करता हूं, ये 97-98 की बात होगी, शायद आप जानते होंगे। पुरानकोट में क्या हादसा हुआ था, वो लोग यहां मिलिटेंट्स ने इतना तंग करके रखा हुआ था, तो रोई मिलिटेंट्स उनके जानवर, उनके जो भी मुर्गे सब कुछ खा गए, और उनके साथ जो जायतियां करते थे बगैर किसी मजबो मिलत, जो तबाही करते थे, उन्होंने आके लगा उनको कि रियासी में चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उस जमाने के चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो हम आज उनसे मिलेंगे, वो वहां चले गए, और वहां के कंसर्निंग एमएलए उनको मिलाया नहीं मिलाया। तो फिर उन्होंने रास्ते में, जिस रास्ते से वापस जाना था, उस रास्ते में वो आके बैठ गए, कोई 25-30 आदमी सड़क में बैठ गए। तो उस एमएलए ने उस चीफ मिनिस्टर को इतना भड़काया कि चीफ मिनिस्टर ने जहाज मंगाया, चॉपर, फॉर योर कंफर्मेशन, चॉपर आया, वो ऊपर से, वो नीचे बैठे ऊपर से उड़ के जहाज चला गया। ये आपको याद होना चाहिए, ये लोगों का कमीनापन, एमएलए का, चीफ मिनिस्टर का। उसके बाद होता क्या है कि वो बंदे वापस जाते हैं, अब उनके उनको घर तो जाना वापस, और मिलिटेंट उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कहा लंबड़दारा मिल लिया चीफ मिनिस्टर को, हैं? चलो हो जाओ किट्ठे सारे। आपको सुनाऊं, वो एक ही बच्चा जो बचा था, जो जो नीचे देख रहा था जिसको, और बाकी उन्होंने एक एक औरत, एक एक बच्चे को कैसे मारा, और प्राइवेट पार्ट काटे उन औरतों के, आपको शायद याद हो, पत्थरों पे रखे थे। अडवाणी साहब आए उस जमाने में एज ए होम मिनिस्टर, एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, दैट टाइम वी ऑल्सो विजिट, उस समय हम कांग्रेस में थे, मैडम सोनिया गांधी आई, प्रियंका गांधी आई, सारे लोग उस जमाने में, ये काम हुआ। मेरे कहने का मकसद है, तो ये इस किस्म के हालात थे, हालात इतने बिगड़े हुए थे कि मिलिटेंसी को कूप अप करना बड़ा मुश्किल हो गया था, ये 90 की बातें हैं। तो लोगों ने, इन बच्चों ने, जिनको आज एसपीओ को बीडीसी बनाया, जिनको आज 18,000 से 4,000 पे पहुंचाया, जिनको आज प्रेशर में कहा कि आप इससे नौकरी छोड़ जाओ, निकाल दिए थानों से निकाल दिए, ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उग्रवाद के साथ पूरी लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। आपको मैं इतने केस सुना सकता हूं कि लोगों के साथ कैसा कैसा क्या सलूक हुए हैं, और ये लोग आए वो सलूक नहीं कर पाया कोई। आए कोई कहे कि हमने मिलिटेंसी खत्म की, ये 370 की खत्म बाद में हुई, ये पहले से खत्म हो गई थी ये सारी, और की थी बीडीसी ने और एसपीओ ने। मैं पार्लियामेंट में लड़ता रहा, आपके नाले के लिए बताऊं, जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा, यहां तो मैं बात करता यहां सुनाई नहीं थी, जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा कि पार्लियामेंट को मैंने कहा कि जनाब आपके पंजाब के एसपीओ को आपने पुलिस में सिपाही बना दिया, आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितने लोग थे एसपीओ आपने उनको सिपाही बना दिया, बीडीसी को बना दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर बाय द स्टेट है जिसको आपने एसपीओ को सिपाही नहीं बनाया, और जब उसका कोटा रखा कि 2%, 1% ऐसे करके, और बाकी स्टेट में सारे के सारे कन्वर्ट हो गए, उनकी उनके ये क्वेश्चन नहीं रखा गया, इन्होंने फिर क्वेश्चन क्या रखा जब एसपीओ उन्होंने कहा भाई सिपाही का उसको नपाई की, तो जब आपने उसको गन दी थी उस समय क्यों नहीं नापा उसको, उसकी मैपिंग क्यों नहीं की, उस समय उसकी चेस्ट क्यों नहीं आपने उसे मापी,
आए उसके बाद आप जब उसको मिलिटेंसी खत्म की, उग्रवाद खत्म किया, तो अब उसको बंदे को सिपाही बनना है तो उसकी चेस्ट को देखे जा रहे हैं, उसके कद को देखा जा रहा है। उस दिन नहीं देखा गया जिस दिन वो बंदा बच्चा लड़ रहा था, किसी ने नहीं देखा। मैंने विरोध किया उस बात का, बहुत किया, लेकिन नहीं हो पाया। दिल्ली में मैंने कहा इसको सबको कन्वर्ट करिए बगैर उसके साइज के, विदाउट इसके कि ये बंदा इसका कद क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसका वजन क्या है, ये है क्या। जब वो बंदा आपकी गन उठा के, और देसी गन दी थी पुलिस ने, ये भी नहीं कि 47 दे के रखी होती, उन्हें कारतूसियों से, थ्रीड से, इन चीजों से मुकाबला किया हुआ है इन बच्चों ने। तो मैं कह सकता हूं आज दुर्भाग्य की बात है, मुझे अफसोस है इस गवर्नमेंट पे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कि गवर्नमेंट इतनी 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 नाइंसाफी कर सकती है किसी के साथ। और जिन्होंने जहां की क्रुएल्टी, यहां की उग्रवाद को जिन्होंने स्नप किया, खत्म किया, मारा, आए उन बच्चों को कह रहे हो भैया, मुझे फोन कर रहे थे, 150 बच्चा इकट्ठा हुआ था बनी का, वो फोन कर रहा था, मुझे नहीं पता इस चीज का। बिलावर के कल कोई 100 बच्चे इकट्ठे हुए थे, मुझे नहीं, उन्होंने फोन किया कोई रविंद्र, पता नहीं कौन बंदे, मैं नाम सुनाऊंगा पता नहीं, उसे 4000 से बाहर निकाल दें। और उधर बसोली से फोन कर रहे थे, रियासी से फोन कर रहे थे, टोटा, क्योंकि मेरी सारे सबसे बात सर हमारे साथ जी हुआ। मैंने कहा मैं आपके लिए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े दिन हो गए, मैं आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपके हक में बात करूंगा, आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, अगर आप सड़कों पे भी आओगे तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, और मेरी पार्टी सारी सड़कों पे होगी, आपके साथ होगी। ये थोड़ी बात है कि आपने हमें शांति दी। डेवलपमेंट किससे होती है? पीस से होती है, शांति से होती है। डोगरी आदि कला कलंदर बसे तकड़े ना पानी नसे, आदे नहीं। तो कहने का मकसद है यहां कला रहेगी, क्लेश रहेगा, तकलीफ रहेगी, उस इलाके की तरक्की हो ही कहा, कैसे हो पाएगी। तो इन लोगों ने हमारे लिए पीस लाई। और एक आपको सुनाऊं, ऐसे बच्चे रह गए हैं जिनके जख्मी, जिनकी टांगे चले गई, जिनके बाजू चले गए, और जो कई ऐसे बच्चे हुए जिनके अंगहीन हो गए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, आज तक भी कुछ नहीं मिला। और पहले रिवाज हुआ कि 1500 रुपया एक बंदे को दिया जाएगा, तो 1500 रुपये में उसके साथ 4-5 BDC लगा के उसके पैसे बांटे जाएंगे। मैं उस देश के साथ भी धोखा, SPO रियासत जम्मू कश्मीर का नहीं होता, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, SPO होम मिनिस्ट्री का होता है। या मैं पहली बार उधर मैं बोल रहा था SPO, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो आप जानते मैं कोई बोल ही लेता हूँ फिर कुछ फालतू, क्योंकि मुझे होम मिनिस्टर साहब बोलते लाल सिंह जी SPO क्या कौन होता है, मैं जी बिहार में मिलता है लेना है। भगवान की कसम सारी दुनिया हैरान थी कि लाल सिंह होम मिनिस्टर के साथ क्या बोल रहा है। मैं कहा आई एम सॉरी SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर, पैसा आप देती हो, तनख्वाह आप देती हो, आपको पता तक नहीं है, तकलीफ सुना रहा हूं आप। मैं 5-6 लेके आऊ आपके पास। तो कहने का मकसद है ये बात, उस जमाने मेरी गवर्नमेंट थी, मेरी सरकार थी, मेरा होम मिनिस्टर था, आई स्पोक देयर, और आज कोई बंदा बात करके देख ले। तो उसके बाद किलोमीटर फेंसिंग जो इधर लगी थी उसकी बात कर रहा था कि भाई साहब इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से डरते हो आप, बातें बड़ी लंबी चौड़ी करते, जवान इतनी लंबी चौड़ी चलाते हो, तो तार आपने लगाई उसने क्यों नहीं लगाई। बड़ा जिम्मेदार कभी अपनी तार बाहर नहीं लगाता, हमारा हमने देखा हुआ, छोटे जिम्मेदार को चिल लगाने पड़ते हैं, तार लगाने पड़ते हैं, ताकि उसकी बड़ी जानवर ना मेरे अंदर आ जाए, मारेगा भी तो उसके खा भी लेंगे सारे। तो कहने का मकसद है इन्होंने जो फेंसिंग की वो 1.5 किलोमीटर पीछे की थी, फिर मैं लड़के आप फॉर योर कन्फर्मेशन 34 किलोमीटर मैं पैदल चला, जो मेरा बॉर्डर है मेरा उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का इस एरिया में हीरा नगर में, मैं तारों उखाड़ के पीछे करवाई। तो मेरे कहने का मैं उसी दिन ये दो बातें हो रही थी, तो फिर वो ऑर्डर भी करवाए SPO के, मैंने 3000 रुपया करवाया, मैंने मांगा उसको पैसे दीजिए जितने एक सिपाही को मिलते हैं और उसी पैटर्न में दीजिए, और जम्मू कश्मीर के जो भी यहां सरकार चलाते हैं उनको SPO से BDC से कोई हमदर्दी नहीं है, वो कहते हैं इन्होंने उग्रवादी मार दिए, नहीं दिस इज वेरी क्लियर, ये ऐसी बात है। आज जब उसको ज्यादा इंसाफ मिलना था जो उग्रवाद के खिलाफ लड़ा, आज जो लोग बात कर रहे हैं कि हम मिलिटेंसी खत्म करेंगे, उग्रवाद खत्म करेंगे, आप तो खत्म किसको कर रहे हो, उसी रोजी रोटी उसके बच्चे खत्म कर रहे हो। 18000 रुपये जिस आदमी को मिल रहा है उसको कहोगे तो 4000 रुपया ले जा,
उसने लोन लिया है, घर बनाया है, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसे लिए हैं, बैंक से पैसे लिए हैं, उसने 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 500 जगह पैसे लगाए और खर्चा उसका 18,000 उसकी, अब किश्तें कौन देगा? हु विल पे? कौन दे, कौन पे करेगा? तो दिस इज वेरी एब्सोल्यूट नॉनसेंस। इसके लिए मैं बड़ा दुखी होके ये बात हम आपसे कर रहे हैं, अपनी पार्टी, हमारी डोगरा स्वयं संगठन पार्टी कह रही है कि जनाब सरकार इस चीज को रोल बैक करे, वापस करे और उन बच्चों को दोबारा करें और शाबाश दें, आशीर्वाद दें। और कुछ इस समय आपको सुनाना चाहता, 50 साल के, कोई 55 साल के, जो बच्चे उस जमाने में 18 साल के थे, 20 साल के, जिन्होंने गन उठाई थी इनके मिलिटेंसी के खिलाफ, आज उनकी उम्र रिटायर होने पे पहुंचे, आपने उसका ऐसी की तैसी करके छोड़ दी। इसलिए सरकार के आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इसको वापस करिए और साथ में योग कश्मीर गया है उसको भी वापस करिए, मजाक नहीं है। आपके क्या लोग मरने के लिए आपकी नौकरी करेंगे? क्या इंतजाम नहीं? दिस द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। और इनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है, बड़े हादसे करवाए जा सकते हैं, और क्योंकि इससे लोग गेम खेलना चाहते हैं। दिस इज वेरी क्लियर। क्यों वापस करते हो जब आपने उनकी सिक्योरिटी? तो ये बात दोबारा मत करिए, हम कश्मीरी पंडित के साथ पूरा सहयोग करते हैं। और मैं उनको लानत करना चाहता हूं जो कश्मीरी पंडितों को, जिन्होंने जिनके बच्चे कश्मीरी पंडितों ने मारे, मारने वालों को मैं कहना चाहता हूं आपको भी लानत है। ये वहां के सोल मालिक हैं और एक्चुअल में मालिक हैं, उतने मालिक है जितना वहां का कश्मीरी दूसरा मालिक है, इतने कश्मीरी पंडित मालिक है। तो कहने का मकसद है, मैं उनको भी कहना चाहूंगा शर्म करिए, इस तरीके से लानत है आप लोगों को, आपके ऐसी उग्रवाद को जो ऐसे अपने घर के और उन्हीं से आप कोई चेंज हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, उन्हीं से आप निकले हो, एक ही फैमिली है आपकी। कई बार हमारे ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर फरुखदुल्ला साहब कहते हैं मैं भी ब्राह्मण हूं, वो खुद कहते हैं, ये तो खुद बोलते हैं। तो कहने का मकसद है कि यही लोग कोई इधर गए हैं, कोई उधर गए हैं, एक तो इनके लिए इनकी सुरक्षा का इंतजाम करिए सरकार। अगर इनके पास सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, गारंटी दे इनकी, लिख के दे इनको, कंक्रीट इनका हल निकाले हैं, मरेगा कि तो आपको क्या सजा है सरकार को वो बताएं, जो सजा आपको अभी तक हुई है किसी को बताएं। और दूसरा नंबर, जो बच्चे यहां 12-14-15 साल से जो रिजर्व कैटेगरी से भेजे थे, कि कश्मीर में इनके पास दिमाग, पहली सरकारों के पास भी दिमाग था, जिन्होंने कश्मीर के अंदर एक रिजर्वेशन कोटे का हिस्सा लिया और रिजर्वेशन कोटे में एक लोग वहां गए, नौकरी कर रहे थे, आराम से नौकरी कर रहे थे, गांव गांव घूमते, किसी को एक भी आदमी नहीं मारा। इनके रसी में ये सारा कुछ हुआ, अभी हुआ, मारा और वापस आ गए, वो भी अम्बेडकर चौक में बैठे हुए हैं। वो सोचते चल शुरू कास्टों को अम्बेडकर चौक में बैठना है या दूसरे को कहां बैठना है, हैं? मैं कहता हूं किट्ठे बैठो आप सारे, यूनाइट हो जाओ, अलग अलग चलोगे आप सारे मार खाते रहोगे। ये लकड़ियां बुड्ढे ने बताई थी कि एक लकड़ी है, वो बच्चों को समझाई थी, साथ हो, साथ किट्ठी रहोगे तो एक फायदा रहेगा, अदरवाइज आपको आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तो मेरा कहने का मकसद है हम इन दोनों को, और तीसरा नंबर लास्ट में मैं आपको कहूंगा, ये डेली वेदर की जो हालत है, सर्दियां जा रही यार, है कितने सीजन चले गए, वो लगातार धरने और उस पर बैठे हैं, और कमेटियां आपने बनाई हैं, 3 कमेटियां, जो कमेटियां क्या वो दूध लैन गई ना, महबूबा ने कहा था दूध लैन गए थे, याद है ना मेरी बहन ने कहा था एक बार उधर, नहीं नहीं दूध लैन और टॉफी है, दोनों बातें कहीं बच्चों को, तो फिर बड़ा जवाब देना। मेरा कहने का मकसद है कि कमेटियां बन गई, इन कमेटियों बनानी कोई, और ये लोगों में बताने के लिए, जैसे हमने मारा हरि सिंह साहब भी, उससे पैसे थोड़ी लगे छुट्टी के, पैसे तो इसमें लग रहे हैं ना जो डेली वेजर को तनख्वाह देनी है, पैसे तो इसमें लग रहे हैं कि जो जिनके तनख्वाह देके बच्चों ने रोजगार करना है। आप लोगों की तनख्वाहें, कभी होता है कि मुलाजिम एक, कभी होता है कि एक मुलाजिम ऊंची पोस्ट पे बैठा हो, उसको एक दिन कहेगी आप डीसी, आप आईएएस किया है? नहीं नहीं आप केएस हो गए,
पॉसिबल है, उसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोटेक्शन खुद कर रहे हैं अपनी। लेकिन वो गरीब आदमी, हम वो लोग, जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, क्या लोग हैं? हमारी स्टेट थोड़ी 370 थोड़ी बड़ी स्टेट की दो हिस्से किए, फिर हिस्से के बाद यूटी में पहुंचा दिया। व्हाट दिस नॉनसेंस, ये और लोकल ऑफिसर, लोकल प्रोफेसर, लोकल मुलाजिम, लोकल आपके ठेकेदार सारे खत्म कर दिए। पता आपको सारे सारे पाइपों के टेंडर किसके पास है, चेक कर रहा है, जो पीएचई के है, जल क्या विभाग है, जल शक्ति, पानी पीने को नहीं, छड़े स्रोत ही स्रोत है, 25,000 अमृत सरोवर बन गए। तो मैं कल घूम रहा था, सर पानी आए थे कई महीने हुई है जनाब गल करो, मैं क्या पानी करता, जो टेंडर लगे थे बाहर दे लो, सारी मीत पता लगा कि पाइप्स का टेंडर जो है सारे गांव के, जो कहीं 1,000 रुपए की पाइप लगनी है, कहीं 10 की लगनी है, और सारी मिक्स कर दी, करोड़ों की बना के टेंडर कर दी। काम किनसे करवा रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हमारे लोग बाहर। 6 लेन अमृतसर वैष्णो देवी रोड, काम नहीं करना आपने, आपकी मेगा कंपनी है, बाहर के बंदे यहां लगना शुरू हो गए, यहां कंपनियां और दूसरी काम कर रही है, बाहर के बंदे काम करेंगे, ट्रकर, ड्राइवर, टिप्पर वाले, डंपर वाले, शावल वाले, पोकलेन वाले। ये हम कहना चाहेंगे कि ये ऑनरेबल हिज एक्सलेंसी एलजी साहब कह रहे हैं कि बाहर के लोगों के खिलाफ मत बात करिए। भाई साहब, तो यहां का जो पोटेंशियल है, ये यहां के लोग नहीं खाएंगे तो कहां के खाएंगे, मुझे बताइए। यहां के लोगों को कारोबार नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? यू आर रनिंग द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। जब आप जम्मू कश्मीर की सरकार चला रहे हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चला रहे हो, नॉट फॉर आउटसाइडर, आई एम सॉरी फॉर दैट। जब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चला रहे हो तो भाई साहब, जम्मू कश्मीर के लोग भूखे मरेंगे तो आपको वो दुआएं देंगे? हैं क्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा बड़ा सेकुलरिज्म नेशनलिस्ट से मार है, क्या जम्मू का आदमी नेशनलिस्ट नहीं है जो उस कंपनी में काम करेगा? ही इज नॉट नेशनलिस्ट है, वो आदमी यहां काम कारोबार करेगा उसको हक नहीं मिलना चाहिए? इसलिए सारे ठेकेदार, यहां वाले ठेकेदारों की सारे भी सबकी वो पेमेंट खत्म, जीरो पे पहुंचा दी। पता करें, कोई कहता मुझे पेमेंट नहीं मिल रही, एक कह रहा था मुझे लगता मैं बाबा बन जाऊं, मैं ठेकेदारों की एक मीटिंग मेरे पास आए थे सारे, मैं क्या हुआ, कहता जनाब मैंने एक काम किया, दूसरा किया उसके भी पैसे, फिर तीसरा किया उसके भी पैसे, अब मेरा हो गया, मैं जो बैंक की जितना मेरा बैंक का, अब मेरी बैंक में एनपी हो गया, तो मेरी जायदाद कुरको रही है, मैं सोच रहा हूं कहां भागू, मैं बाबा बन जाऊंगा। मैं कहा बाबा बन, लड़ लाई लड़, बाबा बने, बाबा बनने का फायदा मैं चक्रे पे लाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं लोगों के बीच मनरेगा की पेमेंट नहीं मिल पाई, आपको क्या सुनाऊं आपसे, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी मैं कहता हूं डिग्रेड हो गई है हमारी एरिया की, बेरोजगारी यू नो हम सेकंड नंबर पे हैं, हो सकता है कि अगले सर्वे में फर्स्ट आ जाए, ये आपको बता दूं। और दूसरा नंबर आप नोट करिए, जो कानून कायदे डेली बन रहे हैं, अब जमीन के कानून देखो, जमीन पे ही आ जाके जमीन पे बरस रहे हैं, इंडस्ट्री वाले आए किसी और लोकल को लगा नहीं रहे, जाओ इंडस्ट्री चेक करो, पहले होता था 90% नौकरी मिलेंगी, हमारे लोग 0% मिल रही, जाओ विजिट करिए, कारोबार जितना लगा बाहर के लोग लगे हुए, यहां के लोग लोकल लोगों को मटेरियल लेने में इतनी दिक्कत है, इतनी भी दिक्कत है, रेत बजरी की इतनी बुरी हालत है, वो ले नहीं सकते, चोरी में फेरा लगाएंगे। और दूसरा नंबर, अगर बाहर चले जाओ तो बाहर वाली सारी सड़कों में माल हमारे दरियाओं का लूटा जा रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही, इसकी मजम्मत भी करते हैं और ये कहेंगे सरकार दिमाग से चले और जो जितने ये इस किस्म के कायदे कानून बना रहे हैं, वैसे आप पे तबक्को भी यही है कि आप स्टेट को झूठी बना सकते हो तो एसपी को बीडीसी बना सकते हो, बीडीसी को घर में पहुंचा सकते हो, सेपरेट स्टेट और विद आर्टिकल 371, इसके लिए लड़िए लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, और अपनी स्टेट बनाइए, हम इंसाफ, ये चीजें सारी कोई नहीं होंगी, हमारी स्टेट बनेगी, ये डेली बेसिस किसी की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर होगा स्टेट बनेगी, उसी दिन ऑर्डर होगा कि फलाने दिन इनको पक्का हो जाए, इनकी तनख्वाह मिलेगी, एसपीओ सारे में सिपाही लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे भाई, और जो बीडीसी वाले को एसपीओ कर देंगे सबको, क्यों नहीं करेंगे, इन्होंने सहयोग दिया और किसानों की इतनी अच्छी हालत करेंगे, जो इस समय मैंने सुनाया कि टमाटरों की क्या हालत है,
गोभी की क्या हालत है, कड़म की क्या हालत है, शलगम की क्या हालत है, आप किसी भी चीज में चलें, मूली की क्या हालत है, मूली एडी लंबी मूली है तो देखो दी हालत की है, चौनी चौनी मूली है, इससे पोजिशन इसलिए।